हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो शो की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट होने वाला है, जहाँ पर साहिबा ने अंगद को देखने के बाद उसे दे दिया है अल्टीमेटम कि वो किसी भी तरीके से उसकी हस्ती खेलती जिंदगी में एंट्री ना करे, वो किसी भी एंगल से साहिबा के घर वालों के साथ इन्वॉल्व ना हो। तो वहीं अंगद भी साहिबा की जिद के आगे हमेशा की तरह अपनी अकड़ रखता है, और वो भी कभी ना मिलने का, कभी भी साहिबा की ज़िंदगी या उसके परिवार से ना मिलने का मन बनाता है। लेकिन ना चाहते हुए भी अंगद को आती है क्यूट से शैतान मासूम प्यारे से अकीर की याद, और उसका दिल ना कहता है, उसका दिमाग भी ना कहता है। बावजूद इसके अंगद अकीर से मिलने के लिए खिंचा चला जाता है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि कैसे किसी ना किसी बहाने से अकीर से मिलने की फिराक में अंगद कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके आजू बाजू घूमता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, जहां अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अंगद गुरुद्वारे में भी अकीर से छुपकर मिलने की प्लानिंग करता हुआ नजर आएगा, तो दूसरी तरफ अकीर और अंगद की जब मुलाकात होगी तो अकीर करने वाला है अंगद से एक ऐसे डिमांड जिसे पहले तो अंगद मानने के सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा, लेकिन फिर अकीर के प्यार के आगे, उसकी जिद के आगे अंगद की एक नहीं चलने वाली। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अकीर आधी रात किसी काम से अंगद को बुलाने वाला है अपने घर, और वहीं पर आएगा कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट। एज पर द सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि जब अंगद अकीर से मिलने दिलजीत के घर पहुंचेगा आधी रात, तब वो चोरों की तरह छुपते छुपाते घर में करने वाला है एंट्री, क्योंकि वो ना तो साहिबा और ना ही दिलजीत को ये बता देना चाहता है कि वो उनके घर में उनके बिन बुलाए आया है। इसीलिए अंगद कभी किसी सामान तो कभी किसी सामान के पीछे छुपता हुआ नजर आएगा। एट लास्ट अंगद जैसे ही टेबल के पास छुपने की कोशिश करेगा, उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाएगा, और हड़बड़ाहट में दिलजीत उस सामान को जल्दी जल्दी टेबल पर वापस रखने लगेगा। लेकिन जैसे ही अंगद सामान रख ही रहा होगा, हॉल में हो जाएगी साहिबा की एंट्री, और साहिबा को अपनी ओर आता देख अंगद घबराहट में यहाँ पर जो सामान होगा उसे रखेगा, और गलती से दिलजीत का जो आईडी कार्ड है वो अंगद के हाथ में ही रह जाएगा, जिसे वो सीधा अपनी पॉकेट में डालकर वहां से भाग जाएगा। अंगद यहां पर सोचेगा अपने होटल रूम में आकर कि आज तो बाल बाल बचे हैं, अगर पकड़े जाते तो पिटाई होती चोरों की तरह अलग, और साहिबा के सामने मुझे गिल्ट और फील होता। जैसे ही अंगद सोचेगा कि अब मैं कल जाकर के दिलजीत को उसका आईडी कार्ड दे दूंगा, सही सलामत पहुंचा दूंगा, तो जैसे ही अंगद दिलजीत का आईडी कार्ड देखने वाला है, उसका नाम देखकर अंगद के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अंगद यहां पर जैसे ही आईडी कार्ड पे नज़र डालेगा, वो देखेगा कि यहां पर तो दिलजीत का नाम कुछ और है, और वो तभी फौरन पैम को कॉल करने वाला है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलने वाला है। शो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि पैम अंगद को कुछ ही देर में कॉल करके बताएगी कि सर, ये जो नाम आपने दिया है, ये बरार इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्ट किया है। यानी कि अंगद के सामने खुल जाएगा ये राज कि दिलजीत कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा अमीर है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अंगद दिलजीत से ये सारे सवाल जवाब करता है सीधा, या फिर वो छुपकर उसका असली मकसद पता लगाने की कोशिश करेगा। वेल, क्या लगता है, कॉमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।